गुड मॉर्निंग। हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे जिसमें चार क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए शैली अपने बगीचे में चार पौधे एक पंक्ति में लगाती, एक लाइन में चार पौधे लगाती है। दो क्रमागत यानी दो पौधों के बीच की दूरी जो है 3.54 है, तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी यानी चार पौधों के आपस के बीच की दूरी, पहले और लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी तो गुणा कर दो। चार, चार के नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा दिया, और बीच कितना है दो पौधों की दूरी 3/4, पौधे है चार, गुणा कर दो, चार से चार कट गया तो यहाँ कितना बचा 3 को इस एक से गुणा किया तो 3 × 1 = 3, नीचे 1 है तो दिखते नहीं है, यानी 3 मीटर की दूरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका आपका वर्ड प्रॉब्लम है, लिपिका एक पुस्तक को एक दिन में 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है, 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है एक दिन में, ठीक है। अब इस पूरी पुस्तक को पढ़ने में इसको लग रहे 6 दिन, तो कुल कितने घंटे लगेंगे, तो इसके लिए पहले आप क्या करो 6/1 × मिश्र दिन को साधारण दिन में बदलो, 4 × 1 = 4 और 4 में 3 जोड़े तो 7/4 कटता है, तो काट दो, 2 × 4 और 2 × 3 = 6 कट गया। अब कुछ नहीं कट रहा तो 3 को और 7 को गुणा करो, 7 × 3 = 21/2 यानी इतने घंटे हो गए, घंटे के हिसाब से चल रहा है। अब आपको मिनट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कार, सातवां क्वेश्चन, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, 16 किलोमीटर दौड़ रही है 1 लीटर में, तो 2 से ही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ेगी तो गुणा कर दें, मिश्र बिंदु को साधारण बिंदु कर लें, 16 × 4 × 8, 8 में 3 जोड़े तो 11/4 × 1 लगा दिया, देखो 4 और 16 कट रहे, 4 × 1 = 4 और 4 × 16, 11 को 4 से गुणा किया तो 11 × 44 यानी कितना किलोमीटर आ गया 44 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें रिक्त स्थान निकालना है, यानी 2/3 को किससे गुणा करें कि 10/30 आए, तो क्या करें, 2 का भाग 10 में देते 2 × 10 बटे में 3 का भाग 30 में देते हो 3 × 1 = 30 यानी कितना आ जाएगा 5/10। सेकंड में ये बोल रहा है न्यूनतम रूप, यानी 5/10 का न्यूनतम रूप, न्यूनतम रूप का मतलब हो गया काटना, तो 5 और 10 5 के पाड़े में आ रहा है, यानी हो गया 5 × 5 और 5 × 10 1/2। ऐसे दूसरी संख्या 3 को किस संख्या से भाग दे, 3 को भाग दे 24 के अंदर तो कितनी बार जाएगा, 3 × 7 = 3 × 8 = 24 बटे में 5 का भाग 75 में दे तो कितनी बार जाएगा, 5 × 5 = 2 × 5 = 25 15 बार, तो यानी अब द्वितीय स्थान में क्या आ गया 8/15, दूसरा यही आ गया इसमें भी 8/15 का न्यूनतम रूप कितना हो जाएगा, कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो नहीं कटेगा, तो 8/15 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा किसी से भी, तो इसका मतलब है ये एडिटिंग से रहेगा 8/15। अब आ जाइए, ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो गई है, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 यही चालू कर रही हूँ मैं, ज्ञात करो 12 भाग का निशान है ये गुणा भाग 3/4, तो क्या करते हैं 12 के नीचे 1 लगाया, भाग का निशान बदल देते गुणा में, और ये जो संख्या होती है इसको उल्टा कर देते हैं व्युत्क्रम यानी 4/3। अब जैसे गुणा हल करते हैं ना वैसे की वैसे ही कर दो, 3 × 3 और 3 × 12 यानी 4 × 16, नीचे 1 आता है तो 1 नहीं लिखते, 1 के अलावा और कोई संख्या होगी तो लिख देंगे। दूसरा और देख लो इसी तरह, 3 और भाग का निशान मिश्र बिंदु तो पहले भाग का निशान ही रहेगा, 3 × 6 = 7/3, अब कर दे 3/1 भाग का निशान बदला गुणा में और ये संख्या हो गई उल्टी 3/7 गुणा कर दो, 3 × 3 = 9 और 7/7 संख्या कटती नहीं है, तो इस तरह से आपको भाग सॉल्व करना। अगला है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब है संख्याओं को उल्टा करना, 3/7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 7/3 और 5/8 का व्युत्क्रम हो जाएगा 8/5, तो ये आपकी हो गई 2.3 ने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो ये आपको सारे क्वेश्चन होमवर्क कॉपी में करने हैं। थैंक यू।